हाय फ्रेंड्स, मैं अम सुदिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। हाल फिलहाल में ये काफी कहा जा रहा है कि ट्यूबलाइट फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, बिल्कुल चल नहीं रही है, या फिर कुछ कमाई बिल्कुल नहीं कर रही, आगे भी नहीं करेगी। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं इस फिल्म पे। तो आपको भी ये सवाल होगा माइंड में, क्या ट्यूबलाइट फ्लॉप हो चुकी है या फ्लॉप हो गई है? तो इसका एक बेसिक, मैं बेसिक तो नहीं, डिटेल एनालिसिस ही बता देता हूँ आपको। बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुई है ट्यूबलाइट, और इसे फ्लॉप फिल्म कहा भी नहीं जा सकता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म का बजट 90 करोड़ है, जिसमें सलमान खान की फीस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका ही होम प्रोडक्शन है। मान के चलिए चलिए 100 करोड़ इस फिल्म का बजट है। तो आपको पता हो या ना हो, इसका सेटेलाइट राइट, थिएटरिकल राइट्स और बाकी म्यूजिक राइट्स ये भी बिक चुके हैं। और आई थिंक मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने कुछ बताया था आपकी आपको कि कुछ 200 से 250 करोड़ के बीच में इसके सभी राइट्स बिक चुके हैं। तो एक ऑलरेडी ये फिल्म 200-250 करोड़ पहले ही कमा चुकी है। अब रहा सवाल कि फिल्म का कलेक्शंस कितना हुआ है अभी तक। तो फिल्म ने 64 करोड़ कमा ली है 3 दिन में, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे 115 करोड़ कमा ली है, राइट? 115 करोड़ ऑलरेडी कमा ली है 100 करोड़ का बजट की फिल्म, या 90 करोड़ की बजट की फिल्म। तो आप सोच लीजिए फ्लॉप कैसे होगी, जब 3 दिन में ही अपना रिकवर कर चुकी। चलिए बाकी चीजें छोड़िए ना, प्री रिलीज छोड़िए, पहले कलेक्शन छोड़िए, रिलीज के पहले कलेक्शन, रिलीज के बाद ही अगर 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसने 115 करोड़ का कर लिया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फिल्म फ्लॉप होगी? मतलब फ्लॉप फिल्म नहीं है। वो अलग बात है कि हमने अब फ्लॉप फिल्म का नजरिया कुछ ऐसे कर दिया है कि बाहुबली से, दंगल से अगर टक्कर नहीं ले पाई तो फ्लॉप फिल्म है, ऐसा नहीं है। सलमान खान के 5-6 साल के कैरियर में ये बहुत ही कम कलेक्शन करने वाली फिल्म जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिल्म फ्लॉप है। ये फिल्म अपना बजट आराम से रिकवर कर लेगी, और जिस तरह से दिन मतलब गुजरते जाएंगे, आप देख लेना हफ्ते भर में, ये ऑलरेडी अभी 64 करोड़ कमा लिया है इसने, और ये हफ्ते में और 4 दिन के कलेक्शन बाकी है। तो 4 दिन के कलेक्शन में आराम से ये 110 से 115 करोड़ के बीच में कमा लेगी। और तो कैसे किस तरह से आपको लगा ये फ्लॉप फिल्म होगी? तो मेरे को तो नहीं लगता है फ्लॉप फिल्म होगी। ये अलग बात है कि सुपर हिट फिल्म में शायद पहुंचे या ना पहुंचे, हिट फिल्म जरूर हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर? और आई होप आपके माइंड का जो वहम होगा या लगता होगा कि यार ट्यूबलाइट फ्लॉप है या ट्यूबलाइट नहीं चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्यूबलाइट का रीजन मैं बताता हूँ क्या सीन है। सलमान खान जिस तरह की फिल्में करते हैं, उसके उस लीक से काफी हटके फिल्म है पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी लोग बोले यार कैसी फिल्म है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फिल्म एक्चुअली आर्मी जवानों को डेडिकेटेड है, किस तरह से वो जंग पे लड़ाई करते हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड है जो मानसिक तौर पे विकास नहीं हो पा रहा, जिनका जिन्हें किसी और की मदद की हमेशा जरूरत होती है ना, फिर मतलब उनको दबाया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको सुधारा जाए, उनसे प्यार किया जाए, ये सब सिखाती है फिल्म। अब ये कोई ये फिल्म कोई एक फिल्म में ये सब चीजें अगर ऐड हो, पेट्रोटिज्म भी ऐड हो, और किसी को सुधारना, डर भगाना, अगर अंदर डर है उसे कैसे भगाया जाए, वो सब चीजें समझाई जाए, हिंदी चीनी भाई भाई का चीजें बताई जाए, गांधी जी के संविधान मतलब जो भी चीजें हैं गांधी जी ने कही थी उनके रास्ते पे चलने के बारे में भी ये फिल्म बताती, तो मेरे हिसाब से कहाँ से गलत फिल्म है भाई। सलमान एक्शन करते हुए नजर आते, मानता हूँ अच्छे लगते हैं, मेरे हिसाब से सलमान ये फिल्म में भी सलमान ने अच्छा काम किया है, नो डाउट, प्राउड फील करके मैं बोल रहा हूँ। आई होप आपको भी काफी चीजें समझ में आ जाएगी, ये फिल्म बिल्कुल फ्लॉप नहीं है। तो सोचना ही मत कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धीरे कलेक्शंस कहेंगे आपको, देखते रहना। चलिए इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazy.com पे विजिट करना ना भूले, जहाँ पे आपको अपडेटेड आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे। चलिए बाय बाय।